जिन लोगों को ऐसा लगता था कि बांग्लादेश के अंदर जो आज हिंदुओं की हालत है वो सब एक झूठ है, उन लोगों को मेरा ये वीडियो आज ज़रूर देखना चाहिए। जो ये लोग कहा करते थे कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की हालत है उनका वीडियो बना करके जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो महज इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, उन लोगों को आज मेरा ये वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शेखावत हुसैन का वीडियो, जिसमें वो मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मैं कारण भी बताऊंगी कि आखिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार मीडिया के सामने आकर के अपने देश की किरकिरी क्यों कर रहे हैं और वो मीडिया के सामने आकर के माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। आखिर इसका क्या कुछ एंगल है, क्या इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की जिस तरीके से अपने माइनॉरिटीज़ की वो रक्षा नहीं कर पाता, तो उसके बाद जिस तरीके से उसकी किरकिरी पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, क्या उस इमेज को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए बांग्लादेश के ये जो शेखावत जी हैं वो मीडिया के सामने आकर के माफ़ी मांग रहे हैं। आज इन सब मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उन लोगों को एक करारा तमाचा पड़ा है हुसैन साहब का ये वीडियो सुन आने के बाद, जो लोग कहा करते थे कि भाई बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की उतनी ख़राब हालत नहीं है जितनी ख़राब हालत बताई जा रही है। उन लोगों को तो करारा तमाचा पड़ा है, जो लोग कहते थे कि हमें बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंदू नहीं समझना चाहिए, हमें बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेशी समझना चाहिए। जो लोग कहते थे, लोगों का वीडियो रेफरेंस में देकर के कहा करते थे, वहाँ के हिंदू समाज के कोई नेता थे, उनका वीडियो वायरल, ऐसे बहुत सारे लोग वायरल कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए कैसे वहाँ के खुद के हिंदू नेता ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हिंदू मंदिर की सुरक्षा तक कर रहे हैं। उन लोगों को एक करारा तमाचा मिला है शेखावत के इस वीडियो आने के बाद। लेकिन पहले आप शेखावत का ये वीडियो सुनिए, इसमें भाव समझिए कि आखिर शेखावत किस बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने देश की माइनॉरिटीज से माफ़ी मांग रहे हैं। सुनिए। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটা হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি, সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ, কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। তো আপ লোগো নে ইয়ে ভিডিও সুনা, ধ্যান সে সুনিয়েগা ইস ভিডিও কো। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि बींग अ मेजॉरिटी, हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, तो हमारा ये धर्म बनता था कि हम अपने देश के माइनॉरिटीज़ की रक्षा कर सकें। जिसमें हम फेल हुए उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने इस बात को कहा है प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार। क्या उसको भी नफरती ब्रिगेड ने अपॉइंट किया होगा? क्या नफरती ब्रिगेड जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को भारत में चलाते हैं तथा कथित आप लोगों के हिसाब से, क्या उन लोगों ने शेखावत को बजट दे दिया होगा, कुछ फंड दे दिया होगा, जिसकी वजह से शेखावत मीडिया के सामने आकर के इस बात को कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि वहाँ पे सच में हिंदुओं की बुरी हालत थी? आपने एक लाइन से उन सारे वीडियोज़ को झुटला दिया, फैक्ट चेक कर करके बताया कि ये सारे वीडियोज़ गलत थे। आप लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा शेखावत का वीडियो देता है, जिसमें वो साफ कबूल रहे हैं कि उनके देश के अंदर माइनॉरिटीज़ की हालत कितनी ख़राब है, कितनी ज़्यादा दर्दनाक है। शेखावत का ये वीडियो साफ साफ बताता है। हमने पिछले दिनों बहुत सारे हिंदू संगठनों का बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन देखा,
हमने ये भी देखा कि कैसे 7 लाख लोग बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे और उन्होंने हरे कृष्णा का जाप किया, नारा लगाया, जय श्री राम का नारा बांग्लादेश की धरती पर लगा। और हिंदुओं ने कहा कि अब हम जाग गए हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें बंद करो दबाना कुचलना, हमें बंद करो। हमने ये भी सब देखा। इन सब वीडियोस जो ये सामने वीडियो आ रहे थे, इनके ऊपर कोई वीडियो मुझे उन पत्रकारों के चैनल्स पर देखने को नहीं मिलता जो कह रहे थे कि बांग्लादेशी हिंदुओं का ये वीडियो केवल मात्र इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, मुझे नहीं दिखता है। लेकिन खैर, उनके ऊपर ज़्यादा बात करना भी इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपना ज़मीर पता नहीं कहाँ जा कर के बेचा, इसका हमें नहीं पता, तो इसीलिए उनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब ज़रा मैं इस तर्क पर आती हूँ कि आखिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार जब इस बात को कबूल रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण और क्या मायना हम लोगों को निकालना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान का एंगल। जिस हिसाब से पाकिस्तान की आज दुनिया भर में इमेज है, उसकी इमेज है टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली, उसकी इमेज है कि अपने देश की माइनॉरिटीज़ की वो रक्षा नहीं कर पाता, वहाँ पे जिस तरीके से हिंदुओं की हालत है वो बड़ी दर्दनाक है। वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, कभी 22% थे, आज 0% कुछ बचे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से सिख की हालत है वो बड़ी दर्दनाक है। तो पाकिस्तान की इन सब इमेज का उसकी इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई अमेरिका तो कोई थोड़ा कुछ डॉलर्स का अगर भीख दे देगा तो वो उसका गुणगान करने लगेगा। तो इस तरीके की इमेज किसकी है? पाकिस्तान की है। बांग्लादेश नहीं चाहता कि हसीना के इस्तीफे के बाद, हसीना के देश छोड़ जाने के बाद बांग्लादेश की भी सेम पाकिस्तान जैसी इमेज बने। शायद इस वजह से पाकिस्तान के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शेखावत हुसैन मीडिया के सामने आकर के अपने देश की माइनॉरिटीज से माफ़ी मांग रहे हैं। वो नहीं चाहता बांग्लादेश कि जहां एक तरफ बांग्लादेश की बात हो रही थी कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत को पीछे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात होने लगे जी देखिए यूनुस के सरकार में आते ही कैसे बांग्लादेश अपने पुराने पिता यानी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा। ये बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं चाहता। शायद इस वजह से बांग्लादेश अपने देश की हिंदुओं से माफ़ी मांग रहा है। तो शेखावत का ये वीडियो, यूएन का ये मानना कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हालत ख़राब है, वहाँ के प्रधानमंत्री का ये कबूलना कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर वहाँ के माइनॉरिटीज़ की हालत नहीं सुधरती है, अमेरिका के सांसदों का ये कहना कि बांग्लादेश को अपने माइनॉरिटीज़ की रक्षा करनी चाहिए, ये सारे फैक्टर जो हैं वो एक तरफ इशारा करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता। बांग्लादेश जिस तरीके से आज पाकिस्तान की जो जीडीपी है, आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आज पाकिस्तान की जो हालत है पूरे दुनिया भर में, उस तरीके की बात नहीं चाहता। इस वजह से वो ये कबूल रहा है और इसको वो सुधारने की बात कर रहा है कि बांग्लादेश में हम इसको सुधारेंगे। नई गवर्नमेंट आई है, वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी सेंसिटिव है, अपने यहाँ के माइनॉरिटीज़ को वो कहीं जाने नहीं देंगे और अपने यहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए वो उनका देखभाल करेंगे। इस वजह से बांग्लादेश आज कबूल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं की हालत ख़राब है। लेकिन इन सबके बीच जो मुखौटा हटा है उन राजनेताओं के मुंह से, जो राजनेता बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप थे, ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद बंगाली हैं, लेकिन बंगाली हिंदुओं के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था ममता बनर्जी का एक ट्वीट नहीं आया। लेकिन मुझे याद है कोलकाता के अंदर बारिश में स्टेज के ऊपर से उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो सरकार है वो काफिर है, उन्होंने इस बात को कबूला था और उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो लोग, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, बंगाल में आ सकते हैं, मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी। हालांकि फिर उन्होंने यूटर्न मार लिया था जैसे ही बांग्लादेश में 5 अगस्त को वहाँ की प्रधानमंत्री जब भागी वहाँ से, हालांकि
ममता बनर्जी ने अपने बयान से यूटर्न कर लिया था और कहा था कि हम जैसा केंद्र सरकार कहेगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत पर एक ट्वीट नहीं कहा था जो उनके चेहरे पर चढ़ा मुखौटा को उतारता है, जो ये बताता है कि उनकी राजनीति किस तरीके की है। आज हमारे देश में जो बॉर्डर से इलाके हैं, फिर चाहे आप बिहार कह लीजिए जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आसाम हो, इन सब के सब बॉर्डर्स के ऊपर एक भारी चिंता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है। बिहार के किशनगंज में ऐसा बहुत सारा हम लोगों को खबरें सुनने को मिली जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी लोग बॉर्डर्स पर आ गए और वो बॉर्डर्स तोड़ करके भारत में आना चाहते थे, क्योंकि उनकी जान की वहाँ पर कीमत कुछ भी नहीं थी। इस वजह से आज हमारे भारत के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर भी परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, उसकी चिंता भी कोई नहीं करता। लेकिन आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, राहुल गांधी 12 बजे रात में जाके वीडियो बनाते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, राजधन पर ही अपलोड करूंगी, ज़रूर सुनिएगा। वक्फ बोर्ड की अगर बात होती है तब हमारे देश के नेता संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हुआ उस पर कुछ कहने के लिए इनके मुंह पे इतना बड़ा ताला लगता है और चाबी कहाँ खो गई ये हमें समझ में नहीं आता। ये समझ ही में नहीं आता हमें ताला का चाबी कहाँ चला गया। लेकिन शेखावत का ये वीडियो इन सब नैरेटिव पे, जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है, उन सब नैरेटिव को ध्वस्त करता है शेखावत का ये वीडियो, जो बताता है कि सच में बांग्लादेश की हिंदुओं की हालत खराब है। चलिए इस वीडियो से मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।